नरेंद्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है और पीएम मोदी ने शपथ लेते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार पीएम मोदी की शपथ लेने के बाद देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। बड़ी खबर यह है, पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रूपए जारी कर दिए हैं। दरअसल किसान काफी दिनों से 17वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध सरकार है। उन्होंने कार्यभार संभालते ही जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए वह किसान कल्याण की थी। सरकार बनते ही पहले ही दिन पीएम किसान योजना की फाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। पीएम मोदी ने 17वीं किस्त जारी करने की फाइल को पास कर दिया है। ऐसे में अब लाभार्थियों को 17वीं किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इससे बड़ी खबर तो यह है, बीजेपी को जो कम सीटें मिली है अब की बार उसको लेकर बीजेपी ने एक गुप्त मीटिंग रखी है। बताया जा रहा है इस मीटिंग के पहले ही दौर में राजस्थान पर चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान में अब बड़े बदलाव की तैयारी है। सियासी विश्लेषक और वरिष्ठ नेताओं का मानना है वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। यही नहीं, संभावना भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आने वाले महीनों में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी खबर तो यह भी है, राजस्थान लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार के कारणों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमित शाह को सौंप दी है। बताया जा रहा है इस रिपोर्ट में सीट वाइज हार के कारण का विस्तार, किन नेताओं ने भीतरघात की है, टिकट वितरण में कहां गड़बड़ी हुई है, यानी कि सीएम भजनलाल शर्मा ने बारीकी और विस्तार से यह रिपोर्ट सौंपी है कि किन वजहों से यह सीटें हारी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी कहीं न कहीं मोदी 3.0 की परीक्षा में फेल हो गए हैं। भजनलाल शर्मा भी कुछ खास पराक्रम नहीं दिखा पाए। ऐसे में आने वाले दिनों में बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान में हार को लेकर जिम्मेदारी तय करेगी। ऐसे में पूरी संभावना है राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव संभव है। अच्छा देखिए, जो रिपोर्ट बीजेपी ने हाईकमान को भेजी है उसमें यह भी दावा किया गया है कि जाते जाते जो गहलोत सरकार ने लोक लोकभवन योजनाएं शुरू कर दी थी और बीजेपी के आने के बाद इन योजनाओं पर ब्रेक लग गया था, चाहे राशन फूड पैकेट मिलना। और देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो बिजली पानी की समस्या कांग्रेस राज में थी राजस्थान में, उसमें कुछ खास सुधार नहीं कर पाई थी। गर्मी की वजह से लोग बिजली से भी परेशान थे और पानी से भी। ऐसे में लोगों को लगा कि सरकार भले ही बदल गई है लेकिन परेशानियां नहीं बदली है। इसी वजह से यहां पर लोगों ने बीजेपी को सबक सिखाया है। इसीलिए आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के बाद सरकार सख्त हो गई है और आम जन से जुड़ी योजनाओं को शीघ्र से शीघ्र जनता तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं। साथ ही में आपने यह भी देखा होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद ही भजनलाल शर्मा एक्शन मोड में दिख रहे हैं। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रूपए से बढ़ाकर 8,000 रूपए कर दिया है और अब सीएम भजनलाल शर्मा बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर भी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी बैठकें बुलाई है। ऐसे में सभी विभागों में जो लापरवाह है अधिकारी है उन पर अब गाज गिरेगी और आने वाले दिनों में जो आम जन से जुड़ी योजनाएं हैं उनमें भी तेजी लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अभी असली खेल बाकी है। अभी एक और बड़ी परीक्षा है। दरअसल राजस्थान की देवली, उनियारा, झुंझुनू, खींवसर, चौरासी और दौसा विधानसभा के विधायकों ने लोकसभा का चुनाव जीत लिया है। इसके चलते इन विधानसभा सीटों पर विधायक का पद खाली हो गया है, यानी कि आने वाले 2-4 महीनों के बाद इन विधानसभाओं पर उपचुनाव होंगे। इन उपचुनाव में बीजेपी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। अब माना जा रहा है कि इन 5 सीटों पर बीजेपी की जीत की जिम्मेदारी वसुंधरा राजे को सौंपी जा सकती है। अगर मान लीजिए बीजेपी वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी नहीं सौंपती है और उसके बावजूद इन 5 विधानसभा सीटों पर नुकसान होता है तो फिर भजनलाल शर्मा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। इसी वजह से कल या परसों में राजस्थान को लेकर जो बड़ी बैठक होगी उसमें बड़ा फैसला होगा। कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर लग जाएगा और राजस्थान में जो आमजन से जुड़ी समस्या है उनको भी दूर कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा होगी, ताकि जो 5 सीटों पर उपचुनाव होते हैं उस पर बीजेपी को फायदा मिल सके। बताया जा रहा है इन 5 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए राजस्थान में बीजेपी गरीब लोगों से जुड़ी नई योजना भी लॉन्च कर सकती है, क्योंकि राजस्थान समेत बाकी राज्यों में जो उपचुनाव होंगे उनको जीतकर बीजेपी वापस कमबैक की कोशिश करेगी।